ना मावा, ना कंडेंस मिल्क और ना ही कोई मैदा, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे से बिल्कुल मार्केट जैसा नरम मुलायम मालपुआ बनाएंगे बेहद आसानी से। मालपुआ एक ऐसी रेसिपी है जिसे बनाकर आप एक हफ्ते स्टोर भी कर सकते हो और ये किसी भी त्यौहार पे बनाया जा सकता है और ये होली की खास रेसिपी में से एक है, तो इसे बनाना तो बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगती है दोस्तों, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं के आटे का मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ये एक कटोरी भर के गेहूं का आटा और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे बारीक वाली सूजी, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो हल्का सा मिक्सी में चला लीजिएगा और फाइन हो जाएगा। तो 4 चम्मच सूजी मैंने यूज किया है, इस चम्मच से जो हम लोग रेगुलर खाने के लिए यूज करते हैं 4 चम्मच सूजी, इसे भी ऐड कर देते हैं। बढ़िया फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे सौंफ जो मालपुए में जरूर से डाला जाता है। साथ ही साथ इसमें जाएगा 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। होली पे इस रेसिपी को जरूर से बनाया जाता है फ्रेंड, सभी के घरों में आमतौर पे बनता ही बनता है और खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं ये मालपुए। अब लिया है यहाँ पे दूध, तो थोड़ा सा मैंने हल्का गर्म दूध लिया है क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज किया है ना, तो सूजी अच्छे से नरम पड़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध मैंने ऐड किया है और आप देख सकते हो पूरा ही दूध ग्लास का लग चुका है और इसे मैं लगातार चलाते जा रही हूँ, कोई भी लम्स हमें इसमें नहीं चाहिए। 2 मिनट मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप के, जैसे गिरा रही हो ना तो फटाफट से गिर रहा है, देखिए नीचे एकदम भी रिवन नहीं बन रहे, इस टाइप की होनी चाहिए। तो चलिए इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, तो ढक देते हैं इसे। अब जब से बैटर हमारा रेस्ट पे है तो हम चाशनी बना लेते हैं। तो 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, ये 1 कटोरी और ये आधी कटोरी, इसी कटोरी से 1 कटोरी जाएगा चीनी। फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसे चलाते रहेंगे। चीनी भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, हमें कोई तार वार वाली चाशनी नहीं बनानी है दोस्तों, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए हमारी चाशनी। तो डाल देंगे थोड़ा सा केसर के धागे, बढ़िया खुशबू और कलर भी आ जाएगा अच्छा सा। तो 2 से 3 मिनट इसी तरह अभी हम मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे। सो फ्रेंड, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आज की मालपुए की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया उसे आप प्रेस कर सकते हो, इससे मुझे पता चल जाता है मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। लगभग 4 मिनट हो गया है मुझे इसे पकाते हुए, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे टच कर रहे तो हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसी टाइप की चाशनी हमें चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए फ्लेम को ऑफ करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। इधर बैटर भी हमारा अच्छे से फूल के तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपको लगे कि हल्का सा थिक हो गया है बैटर तो हल्का सा दूध डाल के आप इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की है। फाइनली इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर और मिला लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसे। अब यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है इस टाइप की कढ़ाई, थोड़ा सा फैली हुई है, इसमें ही मालपुए बनाए जाते हैं आमतौर पे। वैसे आप इसमें मालपुए बनाएंगे थोड़े पतले पतले बनेंगे और जो थोड़ी सी गहरी वाली कढ़ाई होती है उसमें थोड़े मोटे बनेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखा है और इसमें मैंने देसी घी ऐड किया है, आप चाहो ऑयल से भी बना सकते हो। ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है, अब इस बैटर में से इस टाइप का चम्मच हो तो ले लीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं मालपुए बनाने के लिए। 1 चम्मच उठाएंगे और इस टाइप से हम डालते जाएंगे, बस बिल्कुल इसे अभी हम टच नहीं करेंगे, इसी तरह भी होने देंगे। देखिए जैसे जैसे ये पकने लगे हैं खुद ब खुद तैर के इधर उधर आ रहे हैं और इसे हम अब पलट लेते हैं हल्के हाथों से, बिल्कुल परफेक्ट। दूसरी ओर से भी पकने देंगे,
बिल्कुल बढ़िया दोनों ओर से सिक गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देख सकते हो दोनों ओर से बहुत ही परफेक्ट सिकी है। हल्का सा दबा देंगे कि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो नीचे निकल जाए। इसी तरह से हम अपने सारे मालपुए को बनाएंगे। अगर आप जैसे मैं एक एक बना रही हूँ, अगर आप दो तीन भी बनाना चाहो, जैसे जगह है कढ़ाई में आप उसको हैंडल कर सकते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस गर्मा गर्म मालपुए को हम डाल देंगे गर्मा गर्म चाशनी में, मतलब चाशनी हमारी हल्के गर्म होनी चाहिए। इस तरह से हल्का दबा देंगे कि चाशनी में अच्छे से डूब जाए। पंद्रह से बीस मिनट इसी तरह हम चाशनी में इसे डीप रहने देंगे। उसके बाद इसे हम निकालेंगे एक एक करके। फाइनली तैयार है दोस्तों बहुत ही डिलीशियस, एकदम रसभरी, मुंह में घुल जाने वाली मालपुए की रेसिपी। आप इसे किसी भी तरह गार्निश कर सकते हो, जैसे मैंने केसर के धागे और ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। आप चाहो तो गुलाब के पंखुड़ी या फिर थोड़े से चांदी के वर्क को भी लगाया जा सकता है। सो फ्रेंड, होली पे इस खास मालपुए को बनाइए और सबकी तारीफें पाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।